में एक ज्यूडिशियल इंक्वायरी भी जारी की है, जो सुन के जो मेरी मांग थी वो सुन के मुझे काफ़ी खुशी हुई कि उन्होंने मेरी मांगे सुनी, उन्होंने मुझे समझा। जस्टिस मुझे ज़रूर डिलीवर होगा, इसमें मुझे कोई भी डाउट नहीं है। हम ओडिशा सरकार को धन्यवाद देते हैं, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकाश करते हैं कि उन्होंने हमारा बात सुना है। हिस्ट्री में पहले बार होगा कि 60 डेज टाइम बाउंड में ज्यूडिशियल इंक्वायरी कंप्लीट करेंगे, और इसके लिए मैं ओडिशा गवर्नमेंट को और ऑनरेबल मुख्यमंत्री को बहुत धन्यवाद देता हूं। आज मुख्यमंत्री से मिलने पर उन्होंने मेरे सारे पीड़ा सुने, और मेरा वही पॉइंट और वही कंप्लेंट रहा उनके सामने भी कि मेरी जो कंप्लेंट उन सात पुलिस ऑफिशियल ऑफ भरतपुर पुलिस स्टेशन के खिलाफ है वो एकदम न्याय के साथ मुझे दी जाए, और इसी के लिए उन्होंने एक ज्यूडिशियल इंक्वायरी भी जारी की है, जो सुन के जो मेरी मांग थी वो सुन के मुझे काफ़ी खुशी हुई कि उन्होंने मेरी मांगे सुनी, उन्होंने मुझे समझा, और जस्टिस मुझे ज़रूर डिलीवर होगा, इसमें मुझे कोई भी डाउट नहीं है, ऐसा उन्होंने मुझे बताया है। और आगे चल के उड़ीसा का कोई भी डिस्ट्रिक्ट, कोई भी सिटी एक वुमन के लिए, एक नारी के लिए सेफ और सिक्योर जोन हो, चाहे घड़ी पे कोई भी वक्त हो रहा हो, ऐसा भी आश्वासन उन्होंने मुझे दिया है। मेरे थ्रू ही जितनी भी महिलाओं का उद्धार होगा, इसके लिए मैं चीफ मिनिस्टर जी को तहे दिल से धन्यवाद करती हूं एंड फॉर एवर ग्रैटिट्यूड में रहूंगी। उस पे मेरे रेस्टोरेंट के ऊपर मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि अगर कोई आपत्ति या अगर कोई भी मुझे थ्रेट आएगा उसके ऊपर भी वो मुझे प्रोटेक्शन देंगे और न्याय दिलाएंगे मेरे साथ, और अनजस्ट नहीं होगा। जैसा कि आपने बातचीत किया कि कोई भी मुख्यमंत्री जी ने उस पर मुझे पूरा आश्वासन दिया है कि इस पे और चिंता नहीं होगी, अब जो बुरा होना था वो हो गया है, अब आगे बस नारियों के लिए इस स्टेट में बस अच्छा ही होगा और वो लोग वापस से सेफ और सिक्योर फील करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट ने जुडिशियल इंक्वायरी ऑर्डर कर दिया है, तो हम ओडिशा सरकार को धन्यवाद देते हैं, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकाश करते हैं कि उन्होंने हमारा बात सुना है। क्योंकि पीछे दो दिन पहले हमने देखा था कि जो पुलिस सर्विस कर रहे हैं अभी वो डेमोन्स्ट्रेशन दिए थे, तो डाउट मन में आया था कि पुलिस जो इंक्वायरी करेगी क्या वो निष्पक्ष होगा या नहीं होगा, तो उसको डाउट को क्लियर करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने जुडिशियल इंक्वायरी ऑर्डर कर ही दिया है। ये मेरे ख्याल से हिस्ट्री में पहले बार होगा कि 60 डेज टाइम बाउंड में जुडिशियल इंक्वायरी कंप्लीट करेंगे, और इसके लिए मैं ओडिशा गवर्नमेंट को और ऑनरेबल मुख्यमंत्री को बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकाश करता हूं। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अश्योरेंस दिया है कि नॉट ओनली रेस्टोरेंट, बाकी जगह में सिक्योरिटी इस टाइप का शुरू कराएंगे, ताकि कोई महिला अगर बाहर 2 बजे भी रात में जाते हैं, 1 बजे जाते हैं, तो सुरक्षित महसूस करेंगे। और हमारे जो रेस्टोरेंट है उसमें ये केस के वजह से प्रॉब्लम कर सकते हैं कोई, तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एंड उन्होंने आश्वासन दिया कि उसको सिक्योर रखेंगे एंड रेस्टोरेंट चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। ऐसे कोई प्रॉब्लम होने से उन्होंने इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी पुलिस को दे देंगे, वहाँ लोकल पुलिस और कमिश्नर पुलिस को भी, ताकि वहाँ कोई प्रॉब्लम ना करे, दंगा ना करे, कोई विदाउट एनी प्रॉब्लम ये रेस्टोरेंट ठीक से चला रहे। लिसन टू देम वेरी पेशेंटली, वट एवर वॉज देयर व्यूज अबाउट द इंसिडेंट, वट एवर वॉज देयर डिमांड अबाउट द इंसिडेंट, एवरीथिंग वी डिस्कस्ड इन डिटेल्स, एंड आफ्टर दिस चीफ मिनिस्टर अराइव्ड लेट इन द इवनिंग, we apprised honorable chief minister regarding all this. So after that there was a high level committee, everybody met and discussed, it was decided that a judicial inquiry as per their demand, a judicial inquiry will be instituted, and that was decided and declared also
Honorable Justice, retired Justice C.R. Das as the head of the commission.